द्वारका शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना सकती, क्योंकि ये संविधान धर्म निरपेक्ष है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां मंदिर का निर्माण नहीं करा सकती। पत्रिका को दिए विशेष इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम खुद राम मंदिर के लिए शिलान्यास करेंगे और मंदिर बनाएंगे, यदि हमें कोई रोकेगा तो पता चलेगा कि उस पार्टी की असलियत क्या है। शंकराचार्य ने कहा कि उन्होंने मंदिर बनाने के लिए एक समिति का गठन कर लिया है और यही समिति मंदिर का निर्माण कराएगी। उनका कहना है कि वो मंदिर बनाएंगे, यदि कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। उन्होंने कहा कि मंदिर में लगी हुई 67 एकड़ जमीन नरसिम्हा राव के समय मंदिर के लिए अधिग्रहित कर ली गई थी। मंदिर के साथ ही मस्जिद बनाने के लिए और निर्माण निर्मोही अखाड़े के लिए जो जमीन दी गई है वो उसको लेकर सहमत नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि सरकार तथ्यों को छुपा रही है, हमें ये मंजूर नहीं है कि मंदिर के पास मस्जिद भी बने, इससे विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। कोई भी पार्टी राजनीतिक पार्टी मंदिर नहीं बना सकती, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि कोई भी पार्टी मंदिर बनाने की हैसियत में तब आएगी जब वो सत्तारूढ़ हो जाएगी। जी, सत्तारूढ़ होने के बाद उसको संविधान की शपथ लेनी पड़ेगी। जी, संविधान धर्म निरपेक्ष है। जी, तो कोई भी पार्टी सरकार बनकर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा किसी का भी निर्माण नहीं कर सकती। जी, संविधान के अनुसार। जी, ऐसी स्थिति में आज या कल कभी भी जी मोदी राम मंदिर नहीं बना सकते। राम मंदिर हम लोग बनाएंगे। जी, रामायण ट्रस्ट का निर्माण हो चुका है। जी, उसके हम सदस्य हैं। जी, उसकी तरफ से हम लोग राम मंदिर बनाएंगे। हम अभी वहाँ जा रहे हैं। जी, उनके मेले में हम विचार करेंगे। जी, अगर संभव हुआ हम जाके शिलान्यास करेंगे वहाँ। जी, तो